राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो मैंने ये पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि इसमें क्या है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं फिर कि नेहा ये कहाँ से लेती हो। तो बेसिकली मेरे जो ऑर्डर्स होते हैं, जो मैं बनाती हूँ, नमकीन वगैरह बनाती हूँ, बिस्किट्स बनाती हूँ, मठरी बनाती हूँ, तो जहाँ जहाँ पर मुझे बेसिकली ऑयल का इस्तेमाल करना होता है, तो मैं ये प्योर लकड़ी घानी ब्रांड का ऑयल लेती हूँ, जो वुड प्रेस्ड ऑयल है। ये बहुत हेल्दी होता है, इसका स्वाद बहुत शानदार है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा सच कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो जैसे रिफाइंड ऑयल होता है, वो रिफाइंड होकर आता है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी हो जाता है, ये तेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे यहाँ पर 1 लीटर वाली बोतल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने 5 लीटर वाली कैन मंगा ली है, और एक कैन मेरी ऑन द वे है, क्योंकि मेरे पार्सल्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं अभी त्योहारों की वजह से, तो तेल फटाफट ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये तेल ऑर्डर कर लिया, और दूसरा पार्सल बस आने वाला है। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपने ऑयल को बुक कर सकते हैं। और जो मैं हेयर रेमेडी बनाती हूँ, उसके लिए मैं प्योर कोकोनट ऑयल लेती हूँ, ये भी मैं इनसे ही लेती हूँ। बहुत शानदार फ्लेवर्स के तेल हैं इनके, आप इससे कुकिंग करो या किसी रेमेडी में इस्तेमाल करो, आपको परिणाम बहुत शानदार मिलेंगे। तो मुझे आज बनाना है बच्चों का टिफिन, सुबह सुबह का समय है, मेरे बेटे की होती है सैटरडे की छुट्टी और दोनों बेटियों का होता है स्कूल, तो वो स्कूल जाएंगी, तो आज मैंने सोचा कुछ ऐसा बना लूँ जो वैभव स्कूल जब मतलब इस वैभव को पसंद नहीं है, कम पसंद है, तो दोनों बेटियों को बहुत पसंद आता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। अब यूजुअली पोहे का नाम सुनते ही प्याज सबसे पहले आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको एक रेसिपी दे रही हूँ पोहे की, आप इस तरीके से बनाना है, ट्रस्ट मी, जब आप ये पोहा बनाओगे ना, तो रेगुलर डेज में भी इसी तरीके से पोहा बनाकर खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इतना शानदार बनता है ये। तो सबसे पहले मैं पोहा ले लूंगी और इसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो लूंगी, और धोने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। मैंने गैस के ऊपर रख दिया है पोहा धोकर, दोनों बच्चों के लिए बनाना है मुझे और मेरे लिए बनाना है। तो यहाँ पर मैं खूब सारी पत्ता गोभी कट कर लूंगी। जब आप प्याज लहसुन ना खाते हो, लहसुन तो खैर पोहे में नहीं जाता पर प्याज जरूर जाता है, तो उसकी जगह आप ये पत्ता गोभी इस्तेमाल करना, बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। और मैं इसे बना रही हूँ प्योर लकड़ी घानी ब्रांड के मूंगफली के तेल में, बहुत कम मात्रा में तेल लगता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। मूंगफली का तेल समहाउ बहुत हेल्दी भी है, लेकिन हाँ, आप चाहे तो इसे सनफ्लावर ऑयल में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा बना सकते हैं। तो मैंने मूंगफली तेल में मूंगफली को भुनने के लिए रख दिया है, तो स्लो फ्लेम पर मैं ये पीनट्स को रोस्ट कर लूंगी। धीमी धीमी आंच पर भूनिएगा, बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती हैं ये। आप चाहे तो इन्हें भून कर भी रख सकते हैं और बाद में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भोज ब्रांड का लिया है राई, इनके मसाले उत्तम क्वालिटी के हैं, तो मैं इनसे सारे मसाले लेती हूँ, क्योंकि सावन के महीने में लहसुन प्याज मेरे घर में यूज़ नहीं होता और इनके किसी भी मसाले में लहसुन प्याज नहीं होता। तो मैंने पूरा कॉम्बो ही मंगवा लिया था, जिसमें सारे सूखे मसाले हैं, खड़े मसाले हैं और फाइन पाउडर्ड मसाले हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, ये सब मैंने इनसे मंगवाया था। तो मैंने मूंगफली के तेल में डाला हींग और राई, उसके बाद मैंने इसमें डाला है पत्ता गोभी, साथ में हरी मिर्ची और खूब सारा करी पत्ता, और अब हम इन्हें स्लो फ्लेम पर भूनेंगे 2 मिनट, फिर इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा नमक, और अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगाकर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमें यहाँ पर गोभी को बिल्कुल नहीं पकाना है, ऐसा नहीं करना है कि हलवे जैसा बना दिया, हल्का क्रंच हमें इस गोभी में चाहिए। बहुत ही शानदार रेसिपी है ये, आप इसे ट्राई करिएगा, आपका ये जो पोहा है ना, ऑल टाइम फेवरेट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकाया, ये देखिए अच्छे से पक चुकी है ये, बिल्कुल ऐसे चाहिए मुझे। फिर उबले हुए मटर है मेरे पास, वो मैंने इसमें डाले और ढक्कन लगाकर मैं इन्हें भी 1 मिनट के लिए पका लूंगी, क्योंकि ये पहले से उबले हुए हैं। अगर आप कच्चे मटर डाल रहे हैं तो पत्ता गोभी के साथ ऐड कर दीजिएगा, दोनों चीज़ें साथ में पक जाएगी। तो बस यहाँ पर मटर भी 1 मिनट के बाद अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब ये धुलावा पोहा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मेक श्योर कि पोहे में पानी ना हो, अगर आपका पोहा गिलगिला सा है, पानी है उसमें, तो आप उसे छलनी में रख दे, एकदम खिला खिला पोहा हमें चाहिए। तो चूंकि पत्ता गोभी में मैंने थोड़ा नमक डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है, ताकि पोहे में बराबर मात्रा में नमक आए, और अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगाकर मैं इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है और मेरे बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है, उन्हें पोहा बहुत पसंद आता है, पर चूंकि वैभव नहीं खाता है टिफिन में, तो मैं फिर जब वैभव स्कूल जाता है तब नहीं बनाती, नहीं तो फिर दोनों बच्चों के, तीनों बच्चों के टिफिन अलग अलग बनाने पड़ते हैं। आज से ये वो घर में है, उसके लिए मैं पराठा बना दूंगी, नहीं तो कन्विंस करके घर में है ना, तो थोड़ा बहुत खिला ही दूंगी, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तो वो खा लेगा, लेकिन स्कूल में वो बिल्कुल नहीं खाता, ये मुझे पता है, इसलिए मैं उसे ऐसे टिफिन नहीं देती। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन खोला मैंने, पोहा अच्छे से पक चुका था, सारी चीजें एक रस हो चुकी थी। अब मैंने इसमें डाला है मूंगफली और 1 बड़े नींबू का रस, और हाँ, इसमें मैंने किशमिश भी डाले थे,
तो थोड़े किशमिश भी जरूर ऐड करिएगा, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। हल्की हल्की मिठास जब खाते हैं आती है ना, बहुत अमेजिंग लगता है, ट्राई करना आप। तो किशमिश भी जरूर डालनी है जब आप पोहे को पका रहे हो ना, जब पोहा आप डालते हो सब्जी में, तब पोहे के साथ ही किशमिश भी ऐड कर देनी है, तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसमें काजू को भून कर भी डाल सकते हैं, बढ़िया स्वाद आता है। तो यहाँ पर हमारा पोहा बनकर तैयार है। इसे बिल्कुल ठंडा करके मैं बच्चों के टिफिन में डाल दूंगी। इस तरीके से मैं सर्व करती हूँ पोहा, ये वाला स्पेशली। इस पे खूब सारा सेव या फिर कोई भी मिक्सचर, नमकीन मेरा होममेड भी मैं ऐड करती हूँ, और नींबू का रस थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया ऊपर से। गाइस ये बहुत शानदार बनता है, ये बहुत हेल्दी टिफिन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी हो आपको पोहा खाना, तो आप ये मत सोचना कि बिना प्याज के नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। आप इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा, आपको ये पसंद आएगा। तो बस अब यहाँ पर थोड़ा लेट मैं और वैभव पोहा एंजॉय करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।